आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम क्लास 3 का थर्ड चैप्टर गिव एंड टेक का लास्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक पजल दी हुई है जिसमें हमें 1 से लेके 6 तक नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को इस फिगर में ऐसे लगाना है कि अगर हम किसी भी सर्कल के नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमेशा उसका जोड़ जो है वो 12 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनमें से सबसे बड़े नंबर है, बड़े नंबर कौन से हैं हमारे, 4, 5 और 6, उन्हें हम इस फिगर के कॉर्नर पे लगा देंगे। तो 4, 5 और 6 को हमने कॉर्नर्स पे किनारे पे लगा दिया है। बाकी जो नंबर बच गए हैं 1, 2, 3, हम उन्हें अंदर इस तरह लगाएंगे, 1, 2, 3। हमने घड़ी की सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा में इन नंबर्स को लगा दिया है। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि यह 12 होता है या नहीं। जैसे हम इस साइड का देखते हैं, 5 जमा 1 6, 6 जमा 6 12, ठीक है, 6 जमा 2 8, 8 जमा 4 12, 3 जमा 4 7, 7 जमा 5 12। तो इस तरीके से अगर हम इसे कहीं से भी ऐड करते हैं, किसी भी साइड को ऐड करते हैं, तो हमेशा हमारा जोड़ जो है वो 12 आता है। फाइंड मिट्टूज बैग, हमें मिट्टू का बैग ढूंढना है। हमें इन सम्स को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे करना है, मेंटली करना है। हमें कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना, हमें जस्ट इन नंबर्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है इकाई दहाई सैकड़े में, और फिर उन सबको जोड़ना है। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो जो इसने सॉल्व किया हुआ है, 20 है, तो 75 को हम क्या लिखेंगे, 70 प्लस 5, और 7 टेंस वाले जो नंबर हैं हमारे दहाई वाले 70 और 20, इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 5 95, तो ये आंसर आ गया 95। इस तरीके से हमें इन सबको करना है बिना पेंसिल पेन के यूज़ करें, और आप ये खुद कर सकते हैं। मैं बस इसका आंसर आपको दे देती हूँ, आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइंड मिट्ठूज बैग एंड चेक योर आंसर, ड्रॉ लाइन थ्रू द नंबर्स विच आर आंसर्स रिटर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। आपको ये मिट्ठू है, इसका बैग खो गया है, इसे अपने बैग के पास जाना है, ये इसका बैग है, इसे इधर आना है। तो इधर आने के लिए इसको कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको फॉलो करके ये इधर आ सकता है, और इन नंबर को इसने कैसे देखना है, कहाँ इसे कैसे पता चलेगा कौन से नंबर से कौन से नंबर पे जाए, इसके लिए आपको पिछले क्वेश्चन की आंसर की हेल्प लेनी है। और पिछले क्वेश्चन के आंसर क्या थे, ये सारे थे जो हमने अभी सॉल्व किए थे, तो यहाँ से हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले का आंसर क्या था, 95, तो ये 95 पे चला गया। उसके बाद 150 पे आ गया, उसके बाद जाएगा 58 पे, फिर 80 पे, फिर 700, फिर 750, फिर 790, 590, 855, 728, 219, और फिर लास्ट में जाएगा 86। और इस तरीके से वो अपने बैग के पास पहुंच गया। कार्ड गेम, बच्चों आपको पता है अगर हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3। अगर हम 1 में 2 जोड़े तो कितना आएगा, तो भी 3। इसका मतलब अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से नंबर में कौन सा जोड़ रहे हैं, या फिर उनके जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे हमने क्या लिखा, प्लस के साइन से पहले क्या लिखा, बाद में क्या लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप 2 में 3 प्लस करें तो 5 आएगा, या फिर 3 में 2 प्लस करें तो भी 5 आएगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये हमें इसमें 3 कार्ड्स दिए हुए हैं, हमें इन कार्ड्स को 2 तरीके से अरेंज करना है, और हमें बस ध्यान देना है बीच में साइन कौन सा लगा है। बीच में यहाँ पे साइन देखिए आप, कौन सा चिन्ह है ये, प्लस का। तो जब भी हम प्लस करते हैं, हमें पता है जब हम जमा करते हैं तो हमारे नंबर जो भी हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ करके जो नंबर आएगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पे लास्ट में हमारा हमेशा बड़ा नंबर आएगा। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 70, तो 70 तो हमारा लास्ट में आएगा। बचे क्या, 50 और 20, और 50 और 20 को हम किसी को भी पहले लिखिए या बाद में लिखिए, हमेशा आंसर 70 ही आएगा। जैसे हमने 50 प्लस 20 करा तो भी 70 आया, 20 प्लस 50 करेंगे तो भी हमारा आंसर 70 ही आएगा।
इसी तरीके से आप नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42, तो 42 हमारे इधर आ जाएगा। बाकी हम 30 प्लस 12 करेंगे तो भी 42, 12 प्लस 30 करेंगे तो भी 42। जब हम घटा करते हैं तो हमारी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास 5 चॉकलेट थी, 3 हमने किसी को दे दी, माइनस कर दी, घटा दी, तो हमारी कितनी चॉकलेट बची, 2। तो हमेशा संख्या कम हो जाती है जितनी शुरू में है। तो हमेशा शुरू में जब हम घटा करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुरू में हमेशा हमें बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 70, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसके बाद आप कोई सा भी नंबर इसमें से माइनस करिए, दूसरा उसका आंसर होगा। 20 माइनस करेंगे या 50 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा दूसरा वाला कार्ड होगा। अगर हमने 50 माइनस किया तो आंसर हो जाएगा 20, 70 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 50। इसी तरीके से नीचे वाले में भी जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 30, आंसर आ जाएगा 12, 42 माइनस 12 तो आंसर आ जाएगा 30। यहाँ हमने क्या देखा कि एडिशन में हमेशा आंसर हमेशा सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। घटा करने में आंसर हमेशा सेम नहीं आता है। चलिए, हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।